बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, इस वक्त हम सेसर में मौजूद हैं और ये कल सेसर इसमें मौजूद हैं। और आज हमारा यहाँ आने का मकसद ये था कि जो कैबी के तावन से हमने ट्रेनिंग ली थी कि गाजर बूटी को जिस वक्त हमारा थ्रेट बना हुआ है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो हमारा ये रिसर्च का एक इदारा है कैबी जो इस वक्त इस पर वर्क कर रहा है और हमारे सेक्रेटरी साहब हैं सेक्रेटरी जरा सरदार जावेद अयूब साहब, उन्होंने अप्रूवल दी है इनको कि आप इस इंसेक्ट को जिसको हम अगर कहें वालनट और सॉरी स्टेम बोरर तने खाने वाला तने को खाने वाला कीड़ा जिसको हमें वीवल कहते हैं उर्फ आम में अगर आप उसको कहेंगे तो ऊन, अगर ये दिखा सकें तो ये हमारे इस डब्बे में मौजूद है। इसकी इसको छोड़ने का इस पे पार्थिनम ये चूँकि ये खाता इसी गाजर बूटी को है और उसमें इसका ये तरीकाकार ये होता है कि इसको हम इस पे रिलीज़ करेंगे, इस पे ये अपने अंडे देगी, अंडे जो हैं वो दो दिन में वो हैच होंगे, हैच होने के बाद जो कीड़ा बनेगा लार्वा जिसे कहते हैं वो इसके स्टेम में फीडिंग करेगा, नीचे इसको बोर करता हुआ नीचे चला जाएगा जड़ों तक चला जाएगा। ये जो कीड़ा है इस वक्त जो है वो अपना जो लाइफ साइकिल है वो 30 से 35 दिन में पूरा करता है, मतलब दो दिन इसके अंडे में 10 से 12-15 दिन ये अपने कीड़े की स्टेज में, फिर ये ज़मीन में चला जाएगा 10-12 दिन उधर रहेगा, वहाँ से एक फिर ये इस तरह का कीड़ा कोण जिसे कहते हैं आप अपनी लोकली उस सूरत में निकलेगा, ये अपना पूरा वो साइकिल पूरा करते हैं। तो इसको यहाँ पे छोड़ने जैसे ये गाजर बूटी हमारा एक थ्रेड बना हुआ है, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं कंट्रोल करने के, केमिकल कंट्रोल है, मैनुअल पुलिंग है, इसको आप खींचें इसको बंद करें, लेकिन हमारे फार्मर ये करते हैं कि उसको इस कंडीशन में जो है इस हालत में वो पुल आउट करते हैं जो हमें इसको फैलाने में मजीद मददगार साबित होता है। इसका बेसिक तरीका ये है कि जब ये इस पे फूल ना, ये इसके फूल है, जब तक इस पे ये फूल ना आए, आप छोटे साइज की हो 2-3 इंच की हो, आप उसी को तो इसको खींचें उखाड़ें और इसको या तो दफन कर दें या इसको जला दें। इस हालत में आप इसको अगर आप उखाड़ेंगे या दरांती से काटेंगे तो ये आगे मजीद जो है वो फैलती जाएगी। दूसरा ये इसको बायो कंट्रोल है, इसमें किसी का कुछ नहीं लगना है, कुछ चीज़ें नहीं लगनी है, ये कीड़ा अपना आप अपना काम आप खुद करेगा। तो इस सिलसिले में हमारे डिपार्टमेंट जो है इस पर वो वर्क कर रहा है, इस पर उन्होंने अप्रूवल ली है कि इसको हम रिलीज़ करें, अपनी जो फसलें हमारी तबाह हो रही हैं इसकी वजह से हमारे, ये आप ये सामने आप देखें ये एरिया सारा हमारा बंजर पड़ा हुआ है सीवेज की वजह से। तो इसको हम आज आप तमाम लोगों की मौजूदगी में आपकी अवेयरनेस के लिए कि इसका एक ही कंट्रोल नहीं है कि इसको केमिकल लगाएंगे या इसको कुछ और चीज़ें करेंगे तो ये कंट्रोल होगा, इसके अवेयरनेस के लिए कि ये और बहुत से अवामिल ऐसे हैं जिनको हम अगर करें तो ये कंट्रोल किया जा सकता है। अभी हम इस कीड़े को इस वीवल को हम आपकी मौजूदगी में यहाँ से इसको रिलीज़ करेंगे, इस पर छोड़ेंगे, उसके बाद ये जो है ये अपना काम आगे खुद जारी रखेगा। ये आप कीड़ा अगर आप देख सकें ये देखें वीवल ये चल रहे हैं, ये आप देख लें ये खुद अपनी जनरेशन जो है ये अपनी जो है नस्ल खुद बढ़ाएगा, सिर्फ इसी के जो है ना फूल इसी के फूल पे ये बैठेगा अंडे देगा और वहीं से बाकी किसी फसल को नुकसान, बाकी किसी फसल को ये नुकसान नहीं देता। ये पाकिस्तान में इस पर रिसर्च की गई है, इस पे ये हम इसको आपके सामने जनाब ये बड़ा कोई पॉपुलर है ये अपना खुद वो ढूंढ लेगा, ये इसी का फीडर है ये इसी को खाता है, ये जिस पे हम छिड़क देते हैं। देसी भी चढ़ा नहीं है नहीं। सारे घर बैठे चलो इसमें कम चेक करता हूँ तो चेक कर माशा।